हाइट कितनी है? किंडी मेरी पांच दो ये तकरीबन आठ नौ होना है। आठ नौ ऐ ऐ हिसाब ला ला बिफोर लेट आ जावा ना हाथ ऐ आइके उंगल आइके कम कम 10:30 मैं सभी भाइयों से अल्तमास है कि मैं व्लॉगिंग के दरमियान काफ़ी गलतियां कर लेता हूं, तो उसको ज़रा इग्नोर मार के रखिएगा। एक से ऊपर का टाइम हो रहा है, अभी सोकर उठा हूं। रात को गाड़ी वॉश करते रहे थे खुद ही घर में, क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाती है गांव में। जिस जगह पे रहता हूं काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। उन्होंने बोला था गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है 1000 के ऊपर, पहला जो ऑयल चेंज होगा इसका, मगर मैं 2000 से ऊपर चली गई गाड़ी, ऑयल चेंज नहीं करवाया। कहीं भी जाऊँ अकेला जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब तारिक अली को पता करते हैं, बार्बर साहब का। राजा साहब दादी ऊपर कर, ऊपर कर भाई इसको। तारिक शादी पे गया हुआ है, अब भाई अल्लाह का नाम लेकर खुद ही चलते हैं। कल थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी घर वालों ने, गाड़ी खड़ी करता था कहीं पे भी, एसी इसका काम नहीं कर रहा था, फिर लेकर ड्राइव करता था तो फिर कदरे बेहतर उसका एसी काम फिर स्टार्ट कर देता था काम करना। रास्ते से गुजर रहा था तो हमारे गांव के लड़के यहाँ पे नहाने के लिए आते, स्विमिंग पूल है यहाँ पे, मुझे नहीं पता था। बाई चांस उनसे मुलाकात होगी रास्ते में। स्विमिंग पूल इलीगल ओपन किया हुआ मेरे ख्याल से, अंदर जाने नहीं दे रहे, वीडियो नहीं बना रहे, दे रहे कह रहे पुलिस आ जाती है, पर्चा कट जाता है। चलो ठीक हो गया, अभी ज़्यादा देर है। चलो जी चलो चलो, मेहरबानी। जूते सारों ने इधर इकट्ठे किए, तैयारियाँ हो रही है भाई। ये बड़ा स्विमिंग पूल है, बाकी बच्चों के लिए इधर अंदर स्विमिंग पूल बनाया थोड़ी सी। पानी ऊपर जा रहा है कैमरे के, काम ख़राब हो सकता है कैमरे का। अब ये थोड़ा सा गहरा है पानी, अपने गांव वालों की थोड़ी सी वीडियो बनाए फिर चलें यार यहाँ से, बहुत गर्मी है यहाँ पे। मुझे यही लगा यार इसकी हाइट मैक्सिमम 5.5 फुट होगी, 6 फुट होगी, मगर इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 9 के अराउंड अबाउट है इसकी हाइट। तुम इंजॉय करो सर, चल रहे हो बहुत शुक्रिया। निकलते हैं यहाँ से, आगे सर्विस भी करवानी है अभी जाके गाड़ी की। बाबा जी और खोल दे, बाबा जी खा, बाबा बड़ा सख्त है यार, ना और देता ना जान देता। तो वाह हाय गर्मी, मैं कभी भी नहीं इस तरह आया स्पेशल नहाने वगैरह के लिए, कोई हाजर नाजर एक बार आया हूँ दोस्तों के साथ, मगर इतना शौक नहीं है यार इस तरह आने का। बीच में बंदे जो है वो सुसू भी मोस्टली कर देते हैं, जब निकलने लगते हैं कहते हैं हम जाने लगे बीच में सुसू कर दो। इस तरह पब्लिक जो होते हैं स्विमिंग पूल वो अच्छे नहीं है, उनसे बेटर ये नहर है, अगर नहाना चाहते हो तो नहर में नहा लो। अब यानी कि जो वीडियो देखेंगे दोस्त उनको यानी कि डिग्रेड नहीं कर रहा, ठीक है आपको अच्छा लगता है आप आओ, वरना मोस्टली इस तरह करते हैं बंदे यहाँ पे। फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं अपने शोरूम के पास, ये है जी प्रिंस शोरूम, बैक साइड पे वर्कशॉप है इसकी। सर्विस करवानी थी, ये ऑयल चेंज करवाने वाला था, 1000 के ऊपर करवाना, 2000 पे पहुँच गई है। सुबह होगा ऑयल ही चेंज करना है, ऑयल और ऑयल फिल्टर वही ना, अगर स्पेशल सिर्फ ऑयल ही चेंज करवाना है तो वो तो कहीं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वो तो यानी कि आपके पास ही होगा ना अपडेट। तो इंटरेस्ट नहीं है वही ना, इंटरेस्ट देख रहा हूँ काम हो रहा है यहाँ पे। वारंटी बुक बीच में देखता हूँ पड़ी होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है और ऑयल चेंज करवाना है। बेसिकली अभी रिसेंटली उसमें कुछ एप्लीकेशन नहीं और नई आई है, हाँ मैं वो 2-3 दिन तक फिर आके करवा लूँगा ना। आप उस टाइम भी करवा लेंगे ऑयल चेंज करवा लेंगे, मैक्सिमम 200-300 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ इतना ही यानी कि होगा, वैसे 3000 पे एक बोली थी, एक हज़ार पे बोली थी, 1000 पे होती है, फिर उसके बाद 5000 पे, फिर 10000 ठीक हो गया। चले फिर मैं दोबारा आऊँ, सर्विस बुक वैसे मांगते हैं, सर्विस बुक थी मेरे पास
तो ऑयल चेंज उनकी तरफ से ही होगा। वैसे पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, जो भी काम करने के लिए निकलता हूँ काम कोई भी पूरा फिनिश नहीं हो रहा। अब मैंने लेना है ये कैमरा के लिए यार एक ना स्टैंड, ये शोरूम के पास ही गट वाला कमर्शियल हब बन रहा है। वैसे फैसलाबाद का किनार रोड क्या बन गया यार, लश हो गया लश। से ये मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि एक बार में ही बोलना है, जैसा भी बोला गया वैसे ही अपलोड करना है। जो बोलने वाला पार्ट है ना इसके ऊपर बार बार यानी कि कोशिश करता था कि बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, तो वो यार मुझे यानी खुद अच्छा नहीं लगता। अब इस वजह से करके मैं ये ना ट्रायल वर्जन ही समझ लो कि मेरा बस इम्तिहान चल रहा है कि एक बार में कैसा यानी कि फ्लूंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, क्योंकि गलतियाँ मुश्किल हो ही जाती है मुझसे। गाड़ी एक साइड पर खड़ी करके आप लोगों को सर के बारे में बता दूँ, क्योंकि मोस्टली बंदे पूछ रहे होते हैं मुझसे कि भाई क्या बना बालों का क्या बना। लो जी भैया ये उतर गई जी टोपी, ये सर के ऊपर बाल अब जो दरमियान दरमियान में ये बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, जितने साइड पे बाल थे इतने ही सर के ऊपर होते, मगर ये बाल एक दफ़ा चढ़ते हैं। यहाँ तक तो प्रोसीजर बिल्कुल सही जा रहा है, जैसा उन्होंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब आगे दोबारा निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो कुछ दिनों तक बताऊँगा आप लोगों को। वैसे ये कुछ ना कुछ उम्मीद है नज़र आ रही कि निकल ही आएंगे शायद मे भी। मैं यार ये कारखाना बाजार से गुजर रहा था तो मुझे बाई चांस याद आ गया कि मैंने जनरेटर लेना है, क्योंकि यूपीएस वाला सिस्टम कैंसिल हो गया है। भाई ने बोला है कि जनरेटर ले लो, गैस यानी कि लगा हुआ है तो अच्छा खासा रह जाएगा, तो जनरेटर सामने पड़े हुए थे इसलिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर ली। उनसे रेट के बारे में पूछते हैं क्या रेट वगैरह चल रहा है और कितने में पड़ जाएगा जनरेटर, चल के पूछता हूँ यार उनसे। अस्सलामुअलैकुम यार, जनरेटर का क्या रेट वगैरह है? सिर्फ फ्री पार्ट हुई है, फ्री पार्ट 55,000 का। वारंटी कितनी है? 26 माह। 6 माह की वो 3 किलो वाट पे नहीं बंदी, बड़े पे बड़े पे बंदी है। एक फ्रिज चलेगी और 4-5 पंखे, 4-5 ट्यूबलाइट। एसी चल जाता है? नहीं, ये 4 के लिए का, ये है तकरीबन 1 लाख रुपये। 1 लाख का ये मतलब चला लेगा एसी वगैरह? जी गैस तो सेम ही लगता है दोनों का, गैस सेम, जिससे कम नहीं 1 लाख रुपये का मिलेगा आपको। 1 लाख का ये कारखाना बाजार के पास खड़ा हो, दोबारा फिर आएंगे इंशाल्लाह ले जाते हैं यार। कंपनी कौन सी बताइए? जर्मन एनर्जी। इस टाइम तो भाई सो रहा होगा, अगर जाग रहा होता तो चलो पूछ लेता, वो व्लॉग देखेगा तो फिर कॉल करके कहेगा कौन सा ले लो, तो फिर वो आके लूँगा मैं इस तरह, यानी कि ले नहीं सकता पहले उससे पूछे बगैर, क्योंकि छोटा ले लिया तो वो मैं भी कह सकता भैया बड़ा लेना था, ये एक दफ़े लेना तो बड़ा यानी कि ले लेते जनरेटर, बड़ा जनरेटर की बात कर रहा हूँ वैसे। तो अब ये गुमटी वगैरह आ गई आगे, यहाँ से आगे से स्टैंड पकड़ना है, स्टैंड पकड़ के निकलते हैं, फिर ये ब्लॉग अपलोड करते हैं, उसके बाद भाई जो भी बोलेगा वो भी यानी काम कर देंगे। शहर में रश बहुत होता है भाई साहब, बहुत रश, खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वरना मैंने यहाँ पे जाना था, रिक्शा खड़े हुए हैं, दूसरी साइड से आते हैं यार। अरे पीछे तो देखो, अरे भाई साहब रास्ता दे जाने दे मुझको। अरे भाई साहब थैंक यू बॉस। गाड़ी लग चुकी है भैया, शुक्र है। सिर्फ स्टिक चाहिए इस कैमरा के नीचे लगा के। हाँ यही मांग, कितने का पता? 1500 का। बॉडी व्लॉगिंग है। अल्लाह पाक होते हाँ ठीक हो गया सर। अब टोपी पहन ले, कटोरे जैसा सब कुछ उपा ले।